उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 51वां जन्मदिन आज डुमरियागंज विधानसभा के शाहपुर में हिंदू भवन पर 5100 किलो का केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर ही युवा के प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में 51 लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। इस अवसर पर विधायक श्याम धनी राही, भाजपा के जिला संयोजक कन्हैया पासवान, विपिन सिंह समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोरक्षनाथ बाबा की जय, श्री राम, जय श्री राम। जी, हम सबके आराध्य हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं। हम सबके लिए ये बहुत ही एक हर्ष वाला दिन है, क्योंकि वो अपना जन्मदिन तो मनाते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनके ही दिशा निर्देश में काम करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए हम सब लोग आज उनके जन्मदिन के अवसर पर डुमरियागंज विधानसभा में बड़े भाई आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में 51 लोगों ने जो है एक रक्तदान शिविर के माध्यम से 51 लोगों ने रक्तदान किया है। उसके पश्चात 51 किलो का ये लड्डू बना करके हम सब कार्यकर्ताओं ने मिल करके एक दूसरे इसको काटने का काम किया है, और उनके यशस्वी जीवन की हम लोगों ने कामना किया है। वो इसी तरीके से और प्रदेश के जो गरीब जो लोग हैं जिनके लिए लगातार वो काम करते रहते हैं, 24 घंटा लगातार काम करते हैं, एक एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंचे, तो वो जिस काम में लगे हुए हैं उन वो और काम और अच्छे तरीके से करें। हम सब लोग भी क्योंकि बहुत कार्यकर्ता के नाते हम सब लोगों की भी इच्छा रहती है कि और अच्छा तरीके से काम हो और वो यशस्वी रहें, दीर्घायु हों, इसी कामना के साथ हम लोगों ने कार्यक्रम किया हुआ है। ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम था, बहुत ही प्रेरणादायी कार्यक्रम था, और आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते रहते हैं, हुए भी हैं और भी होते रहते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।